आपके पोस्ट से आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हमें 40 मिनट हो चुके हैं। जहाँ कल से मैं सामान लेके आया था, ब्रश वगैरह, ये शॉप मेरे पीछे देख रहे हो आप, शॉप बंद पड़ी है। यहाँ पे कोई पूजा है आज 5 दिन की, तो शॉप्स वगैरह भी बंद हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलाना भी लोग अवॉइड करते हैं। तो जिस इसमें होम स्टे में हम रुके हैं उनका यहाँ पे कैफेटेरिया लगा लो, किचन है, इनसे ही हमने वैसे रॉ मटेरियल देते नहीं है, इनसे 4 मैगी ले ली रिक्वेस्ट करने पे और पानी की बोतल ले ली। ट्रस्ट मी गाइस, जो पैकेजिंग आती है ना, ये किनली या कोई भी हो आपका एक्वाफिना वगैरह की, जो पूरा पैक आता है 12 बोतल का, उसमें से निकाल के दिया इन्होंने, और इतनी ठंडी है इसे 20 सेकेंड ज़्यादा पकड़ नहीं सकते हो हाथ में। सो भाई हम जा रहे हैं नीचे बसपा रिवर कैंप के पास ही, हमारा हमने पूछा है वहाँ पे जाके हम अपनी पर्सनल कैंपिंग कर सकते हैं। चल भाई गाड़ी ले ले, हाँ धीरे धीरे लियो। अरे उस्ताद जी आराम से, पूरी काट दे पूरी। भाई सच में यहाँ पे कोई और गाड़ी नहीं आ सकती, पता है बर्फ वाला पानी, बर्फ से जो कीचड़ नहीं होती। हाँ अबे तूने अभी ब्रेक मारी थी किसी, अपने आप गाड़ी जा रही है नीचे। बहुत तो देखी हुई, बहुत खतरनाक रास्ता भाई, भाई नीचे का व्यू। भाई साहब कीचड़ी कीचड़ रास्ता देखा गाइस, कैसा था आपने। अब यार ये पुल दिखा है हमें, ठीक है मैं बताता हूँ आपको हमने गाड़ी क्यों रोकी है। मुझे ये पुल प्यारा नज़र आया, अब सोच रहे हैं इस पे गाड़ी खड़ी करके ना यहाँ से ड्रोन शॉट ले लें, नीचे रिवर का भी व्यू आएगा और साथ में पूरे पूरी बढ़िया बर्फ़ की चादर आएगी और ये देवदार के पेड़ आएंगे। हमें जाना इस साइड पर है, बट हम पहले थोड़ा मुआयना कर रहे हैं कि यार ये ब्रिज पुराना तो नहीं है, टूटेगा तो नहीं भाई, थोड़ा रिस्क तो लगता ही है, लेकिन लोहे का है। उधर की साइड पे तो आई थिंक रास्ता बंद है भाई, इधर तो नहीं जा रहे हैं। फिर इधर देख, इधर जानवर वनवर पक्के हैं, देख निशान देख, जानवर या तो कुत्ता है या तो कुछ स्नो लेपर्ड भी हो सकता है। फोटोज वगैरह ले लिए हैं, ड्रोन शॉट नहीं ले रहे हैं अभी क्योंकि धूप कुछ टाइम के बाद चली जाएगी, तो हमें कैंपिंग जो हमारी डे कैंपिंग है उसमें दिक्कत ना हो जाए। तो अभी हम सोच रहे हैं हम आगे जाएं और अपना कैंप लगाएं, बट रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, देखो पूरा इतना सा रास्ता है, लिटरली इतना सा रास्ता है। सो गाइस इसके उधर गाड़ी जा नहीं पाएगी क्योंकि बीच में नाली है, अभी मुआयना करके आए हैं। अगर आपने हमारी कश्मीर सीरीज देखी है तो उसमें गुलमर्ग में गाड़ी फंसी थी दो लोगों की, फॉर्चुनर, नाली के अंदर, उनको भी नहीं पता था कितनी डेप्थ है, वो ले गए थे फिर थार से निकाली थी। तो सेम वैसा ही यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होने के चांसेस हैं, इसलिए हम लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहीं से वापस जाना है क्योंकि हम डे कैंपिंग कर रहे हैं ऊपर वहाँ पे, तो हम इसको बैक करके लगा देते हैं गाड़ी को, आमिर बैक करके लगा देगा, और फिर यहीं से अपना टेंट का सामान निकाल के उधर की साइड डे कैंपिंग करते हैं। बढ़िया नज़ारा हो रहा है और ड्रोन शॉट लेते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं सेटअप करते हुए, अभी दिखाऊंगा अच्छे से। अभी बैक कर ले बैक। ये है हमारी कैंपिंग लोकेशन जो हमने चूज़ करी है, फ्लैट सरफेस देख के, ये रिवर है, क्या आवाज़ है, बसपा रिवर है, ऐसा बोला जाता है सबसे क्लीनेस्ट है, आप इसको बिना बॉयल करे भी पी सकते हो, जो कि स्टडी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी हम नीचे तिरपाल पे जा रहे हैं क्योंकि नीचे ठंडी बहुत लगेगी, क्योंकि इसका जो बेस है उस पर लगे ना, फिर उसके ऊपर अपने मैट्रेस वगैरह बिठा के थोड़ी देर बैठेंगे, आराम से चिल करेंगे। अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो उस टाइम पे नॉर्मल है, मतलब फुल पहनी हुई है, हवा चल रही है, बट काम कर रहा है अभी थोड़ा, टेंट का सामान वामान लेके आए हैं गाड़ी से, तो पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, तो जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि पहले हमने सेटअप कर दिया, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो टेंट है वो उड़ रहा था क्योंकि हवा चल रही है, यहाँ पे धूप तो आ रही है बट हवा भी चल रही है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। 3 दिन पहले किसी ने स्नो लेपर्ड देखा है आगे रिवर के उस साइड, मैं ये नहीं कह रहा मैं वहाँ कर रहा हूँ। तो दिस इज़ आर टेंट, ये हमने सेटअप किया, अभी अंदर से भी दिखाता हूँ, इसकी मैं बात कर रहा था, ये पैक्स लगा के, ये रस्सी के साथ बांध के हमने, क्योंकि हमने जो लगाया उसके अंदर बर्फ़ के अंदर ही लगाया पैक, तो हमने ईंट से ऐसे ढक दिया। तो ये कुछ नज़ारा है हमारा अंदर से टेंट का, ओए होए भाई, तो वो हो गया सन फेसिंग हो गया एकदम। दो मैट्रेस हैं, आराम से बैठेंगे, ब्लैंकेट वगैरह भी लेके आए हैं, कहा वो भी डाल लेंगे अगर ठंड लगेगी, तो वैसे लग नहीं रही है अभी, धूप आ रही है, तो और जब तक धूप है आराम से बैठेंगे, क्या टेंशन है। ये देखो पूरा सन फेसिंग है भाई, आराम से सामने रिवर है, रिवर एंड सन फेसिंग दोनों, कहाँ मिलेगा ऐसा भाई। एज अ व्लॉगर ना आज जीवन सफल हो गया, हर व्लॉगर अपने लाइफ में ये जरूर सोचता है कि यार स्नो में कुछ एडवेंचरस करना है, और हम वो कर रहे हैं। तो बस अभी टेंट लगाया है, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, धूप आ रही है इसका फ़ायदा उठाते हैं, लुफ्त उठाते हैं, और जल्दी से यहाँ के भी ड्रोन शॉट ले लेते हैं अपने कैंप के साथ साथ, है ना, सॉरी अपने टेंट के साथ साथ। तो जल्दी से आप एंजॉय।
हमारी भी ये फर्स्ट स्नो कैंपिंग है। सोचा तो था कि रात में कैंपिंग कर लें, बट ठंड हद से ज़्यादा है और हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो इसलिए हम अभी डे कैंपिंग करेंगे। बाकी ये जो लैंड है ये प्राइवेट लैंड है, मतलब अभी यहाँ पे कोई है नहीं, ऑफ सीज़न है। तो अगर आपको बाद में कैंपिंग करनी है और चिटकुल में आना है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप करना चाहते हो बट ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहते, तो इनके खुद के कैंप भी हैं जो कि 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें खाना इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप उस टाइम पे अपना टेंट आके लगाना चाहते हो तो उसके 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि लैंड इनकी है, जैसे हमारे साथ गोनपुर रेंजर में हुआ था। सो हाँ जी, हमारे ड्रोन शॉट्स के बाद अब बारी आ गई है पेट पूजा की। ओह माय गॉड, अब बोल क्या कह रहा था? मैं कह रहा था भाई अब बारी आ गई है पेट पूजा की। पेट पूजा भाई साहब, देखो मैगी बन रही है भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और पहाड़ की मैगी भाई साहब आपको देखो पता है, एक उत्तम नगर में मिलती है बढ़िया मैगी, एक यहाँ मिलती है उत्तम नगर में। ऐसे बोल दे ये भाई, आपके पहाड़ों वाली मैगी तभी तो निकाल के दिखाई खाने में। मैं तो निकालूंगा नहीं भाई, मुझे खाना खाना है। जो बात है जो बात है भाई, कॉफी बनाएंगे इसके बाद, कॉफी बनाएंगे वो मैं बनाऊंगा भाई, कॉफी तू बनाएगा ठीक है भाई, डन हो गया। कॉफी का एक्सपर्ट है तेरा भाई। हमारी मैगी अब बन चुकी है, 2 मिनट वाली मैगी हमारी बनी है 7 मिनट में, क्योंकि ठंड है यहाँ पे। और अब हम मैगी को खाएंगे अपने फोक के साथ, पी के खाओ या खा के पियो, वही वाला हिसाब किताब है, क्योंकि पानी वाली बनाई है। और लेट जस्ट ईट इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार अब, ठीक है। आपको पहले एक बार शक्ल दिखाया था हमारी मैगी की, ढक्कन निकल गया क्या, कहाँ है वो? टैन टैन टैन, ओ माय गॉड, मैगी हो तो ऐसी। अब छोड़ दे पानी, इतना ही खा लेंगे आटा। जल रहा है ना वो, डालना और भाई भाई ज़्यादा पानी से पतली हो जाएगी। तो भाई बींग वन शो आ चुके हैं मैगी कह रहा हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए भाई। कॉफ़ी का टाइम हो गया शाम का, इट्स स्नैक टाइम। हाँ इवनिंग स्नैक्स, ये क्या डाल रहे हो भाई? दूध है टेट्रापैक, वो नहीं लाना यार, तो मुँह से घुलनी पड़ रही है, वरना हम हाइजीनिक है वैसे। नहीं चाकू है वैसे, चाय नहीं यार, टूटा हुआ है यार वो, दूध नहीं आता कश्मीर में, याद नहीं है? अब पड़ेगी इसमें। चल रही गैस, चल रही है पहले से? हाँ भाई चल रही है ना, अभी थोड़ी देर बबला वो हमारा आंदे भाई, दूध आ गया अपना ऊपर, वो तेरी साइड रख दिया तूने कम ज़्यादा करने वाला, बता क्या करना है? नहीं मतलब अभी आएगा तो कम तो करना, उठा दूंगा ना ऊपर से भाई। फाइनली हमारी कॉफ़ी बन चुकी है, जैसा आपने देखा था मैं कॉफ़ी बना रहा था, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कॉफ़ी विद बीइंग हिमांशु, तो हम कॉफ़ी पी रहे हैं और वही रिवर किनारे बैठ के। हमारे साथ में एक भाई आए हैं, भाई का नाम गणेश है। कहाँ से आए हो आप? मैं आगरा से हूँ। अच्छा, मैं आया दिल्ली से शांगला, शांगला से सोलो ट्रैवल। भाई बहुत बड़ी बात है, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके दिल्ली से यहाँ पे ये चिटकुल आए हैं और अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं सोलो ट्रैवलर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई ने हमें कॉफ़ी के लिए ज्वाइन किया है रिवर किनारे बैठ के, ऐसे ही मिल बैठे हम। सो बस गाइस, अब निकल रहे हैं यहाँ से, और क्योंकि धूप जा चुकी है और धूप ही हमारा आखिरी सहारा थी, सब कुछ पैक करते हैं। 4:15 हो रहे हैं इस टाइम पे, जबान लड़खड़ा रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो पैर रखते कभी कभी कोई सा भी अंदर चल जाता है। पैकिंग करते हैं, उसका भी एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। एक बार जाते हुए ब्रिज के ऊपर जाएंगे, Thank you.
सो गाइस हम अपने होम स्टे में वापस आ चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया था, और अब थोड़ा शाम हो चुकी है, 7 बजने वाले हैं इस टाइम पे, तो अंधेरा जल्दी होता है पहाड़ों का, आपको पता है। स्नोफॉल हो गई है, उससे एक चीज अच्छी हो गई है कि जब स्नोफॉल होती है ना तो थोड़ी सी ठंड कम हो जाती है, ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब आप बोल सकते हो ऑब्जर्व किया हुआ है। बाकी इन्होंने भी, यहाँ के लोकल्स ने भी ये बोला कि आज थोड़ी ठंड कम है, और एक्चुअली में ठंड कम है क्योंकि कल हम ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे जैसे ये खड़ा है बाहर आमिर, और गेट खुला हुआ है, और मैंने यहाँ पे 4 लेयर पहन रखी थी शाम के टाइम पे, और हम यहाँ पे बस पड़ गए थे बेड में, आज ऐसा नहीं है। और गाइज ये कुछ बाहर का व्यू है, नाइट व्यू है, पहाड़ अभी भी वैसे के वैसे ही है, देखो रात को और ज़्यादा खतरनाक लगते हैं देखने में। ये शॉप सुबह से बंद थी, अब खुल चुकी है। रूम थोड़ा मेस्ड अप है एज यूजुअल, ये रहा वो टब, ये देखो रूम थोड़ा मेस्ड अप, नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, तो इसको तो हम भाई नहीं कर सकते सही, अभी बस पड़ जाएंगे। चार्जिंग पर लगा दिए हैं फ़ोन वगैरह, अपने गैजेट्स वगैरह। बस अब आज हमने ऑर्डर किया है पहाड़ी चिकन और राइस, क्योंकि पहाड़ पे आओ और चिकन ना खाओ या फिर राजमा राइस ना खाओ तो बात बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ का चिकन और राजमा राइस दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब बहुत फेमस होते हैं यहाँ के। तो हमने यहाँ के और हाफ चिकन मंगाया, 2 बंदों के लिए इनफ है, ग्रेवी वाला और राइस ऑर्डर किया, बहुत मन कर रहा था खाने का। तो चलो जब तक हमारा सामान बन रहा है, मतलब जब तक हमारा खाना बन रहा है, हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं गाने वाने सुन के, रात को फिर मुलाकात होगी जब हमारा खाना आ जाएगा। सो गाइस फाइनली हमारा खाना आ चुका है, मतलब आज का डिनर आ चुका है हमारा, और खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आज से पहले जहाँ भी मैं पहाड़ी प्लेस पे गया हूँ, मतलब उत्तराखंड या हिमाचल, उनकी जो चावल की जो क्वालिटी होती है, मैं उसको गंदा नहीं कहूँगा बट वो खुद की उगाई करते हैं, तो छोटा होता है साइज़ में चावल, जो मतलब हमारे जैसे जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं मे भी उनको पसंद आए, मतलब मुझे थोड़ा सा वो ये बोलते हैं हमारे चलता है, हाँ उनके यहाँ चलता ही वही है, बट मुझे थोड़ा सा वो वैसा लगता है, हाफ को लगता है। राइस की क्वालिटी देखो आप, बहुत सही है और रीजनेबल है यार, इतना कोई महंगा भी नहीं है, अगर हिसाब से अगर हम कहीं बाहर आ रहे हैं तो खाना ठीक है। तो जल्दी से इसको खाता हूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड है, इसको खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं।